जय भीम, मैं आपका दोस्त राजागर हूँ। आज फिर एक बार धम्मपद की एक नई कहानी को लेकर आया हूँ। पट्टाचारा की कथा शीलवान निर्वाण मार्ग पर गमन करे। लेकिन इस कहानी की शुरुआत करूँ इससे पहले आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो सुनते हैं गाथा 289। एतमत्थ वसंयन्त्वा पंडितो सीलसंवूतो निर्वाणगमनमग क्षिप्रमेव विशोधय। अर्थात इस सत्य को जानकर शीलवान समझदार पंडित पुरुष को चाहिए कि वह निर्वाण की ओर ले जाने वाला मार्ग शीघ्र ही साफ करे। तो सुनते हैं पट्टाचारा की कथा। इसके बाद बुद्ध ने पट्टाचारा को संबोधित करते हुए दो गाथाएं सुनाई। टिप्पणी: सांसारिक चीजों में तो पिता, पुत्र, मित्र किसी संकट में सहायक भी हो सकते हैं, पर जब मृत्यु आ घेरती है तो उस पर किसी का वश नहीं चलता। अतः सभी असहाय हो जाते हैं तथा रक्षा करने में असमर्थ हो जाते हैं। मृत्यु आती है और इंसान को ले जाती है। मूर्ति की तरह खड़े रहकर देखने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं रहता। इसीलिए कहा जाता है कि मृत्यु आने पर कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता है। अगर कोई रक्षा कर सकता है तो वह है पिछले जन्म में किया गया उसका धर्म और कर्म। इसीलिए मृत्यु रूपी सांप के दंश से बचने के लिए उचित है कि मनुष्य अपने लिए धर्म और कर्म अच्छे कर्म बटोरे। एतमत्थ वसंयन्त्वा पंडितो सीलसंवूतो निर्वाणगमनमग क्षिप्रमेव विशोधय। साधु साधु साधु।